हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं अगर आप कभी ये टेबल फ़ैन जो ख़राब हो गया है इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले टेबल फ़ैन दिखा देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का टेबल फ़ैन है। अगर आपके पास भी है तो आप भी घर बैठे आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, यहाँ से ये पेज खुलता है, इसका आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। हम आपको पूरा कम्प्लीट प्रोसेस बताएँगे कि आप घर बैठे आसानी से ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती हैगी। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले आपको इसके वाट चेक करा देते हैं कि ये दोस्तों चल नहीं रहा है बिल्कुल। और हम जब यहाँ पे पावर इस पे दे रहेंगे इसको, तो यहाँ पे वाट बता रहा है, मतलब बिजली कंज्यूम करता है। अगर आपका भी ख़राब पंखा पड़ा हुआ है तो हो सकता है आपकी भी बिजली कंज्यूम करता है। देखिए यहाँ पर इसका जो प्लग है, हम इस प्लग को लगाएँगे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे 96 वाट यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब दोस्तों ये पावर ले रहा है ज़बरदस्ती के। और आप भी चाहें तो आप इसी को देख के आसानी से समझ के इसको बना सकते हैंगे। दोस्तों, मेरा नाम है इसरार, आप देख रहे हैं टेक मिनी प्रोजेक्ट चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो प्लग है आपको बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो भी काम करे सारा काम निकाल के करे। तो यहाँ पे देखिए, इसके एक पीछे ये पेज दिया जाता है, तो इसको यहाँ से खोल लेना है। तो चलिए हम खोल देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये देखिए, ये पेज खुल चुका है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इसका जो पूरा तार ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए कनेक्शन, इसका पूरा तार टूटा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी कंडेंसर निकालें इसका, तो इसको शॉर्ट कर ले। इस मारे अगर आपका कोई करंट ना हो तो करंट ना मारे। तो चलिए हम इसको सही से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप कंडेंसर आसानी से लगा सकते हैंगे। यहाँ पे इसका जो वायर है ये निकल चुके हैंगे, तो हमने इसको सही टिका दिया था तो इसलिए निकल चुके हैं। अगर आपका ये कंडेंसर ख़राब हो गया है, ये आप देख रहे हैं, मतलब कैपेसिटर इसको बोलते हैं, अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो आप इसको कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, चेक करने के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको ये बोर्ड में लगा देना है। देखिए, अभी हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये देखिए, ये मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड है और हम इसको लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ये चट से बोला है, और भी हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे ये देखिए। आपको कोई भी एक चीज़ टेस्टर या पेचकस ले लेना है, लेकिन आपको टेस्टर पे पेचकस पे यहाँ पे उंगली नहीं लगाना आएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे उंगली आपको नहीं लगाना है। तो इसको इस तरीके से देखिए, इसको शॉर्ट कर सकते हैंगे। तो दोस्तों, ये शॉर्ट हो गया है, इसका जो भी चार्ज था वो डिस्चार्ज हो चुका हैगा, आपने देखा। तो आप इसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं, मतलब इसका ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इसको कैसे आपको वायरिंग करनी है, तो चलिए हम बता देते हैं। अगर आपका ये ख़राब हो चुका है तो आप नया ला के चेंज कर सकते हैंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर लेने के बाद आपको इसकी जो है स्विच है यहाँ पे चेंज कर लेना है, ब्राउज़र पे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप जब चेंज कर लेंगे तो आपका जो भी होगा आपको यहाँ से वायर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए, पूरा 100% सही बता रहा है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसके जो है एक वायर रेड वाले में लगा देना है और एक वायर इसमें लगा देना है। इसकी देखिए, जो इसकी जो आपको ये दिख रहा होगा रेटिंग जो आ रही है 274 आ रही है। एक आपको रेड वाले में रहने देना होगा, तो उसके बाद एक पीले वाले में सी से लगा देना है इस तरीके से। चलिए हमने लगा दिया है 200, देखिए यहाँ पे। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको सही से, ये 279 आ रही है और यहाँ पे 275 आ रही है। तो आपको एक नए कोई चीज़ चेंजेस कर लेना जिसमें ज़्यादा है। तो चलिए हम इस पहले देखते हैं। तो 279, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए 562, और यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा 562 279। तो दोस्तों बस इसी चीज़ का ये खेल होता है। ये देख रहे होंगे आप 288 हो गए हैं और यहाँ पे देखिए 562। तो दोस्तों ये दोनों वायर को अलग रखना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप 560 रीडिंग देख रहे हैं, जिस वायर में 560 रीडिंग आ रही है उसी में कैपेसिटर लगेगा। जैसे देखिए, एक वायर में इसमें आ रही है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वायर में देखिए इसमें आ रही है। यही दो वायर में 560 मेरे पास रीडिंग आ रही है। अभी हम चलिए एक बार आपको सही से दिखा देते हैं।
ये देखिए दोस्तों 560 आ रही, तो मतलब दोस्तों यही दो वायर में कैपेसिटर लगेगा। तो चलिए हम आपको कैपेसिटर लगा के दिखा देते हैंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको ये जोड़ देना है कैपेसिटर, और ये यही दो वायर में दोस्तों मेरे पास ये रीडिंग आ रही। तो आप भी इसी तरीके से ये चेक कर सकते हैंगे। ये देखिए ये हमने दोस्तों लगा दिया है कैपेसिटर, और उसके बाद दोस्तों ये जो मेन सप्लाई है, तो ये आपको जो रेड वाली दिख रहा है एक वायर जो बचेगा, आपको ये मेन सप्लाई में आपको दो जोड़ देना है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक भी जोड़ सकते हैं और रेड भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। ये देखिए अब दोस्तों जो ये ब्लैक वायर बचा है, यानी जो मेन सप्लाई की जो ब्लैक वायर है, तो आपको इसमें देखिए देख के जोड़ना आएगा। आपको पहले एक बार इसमें लगाना है, एक बार चेक करके देखना ये पंखा किस रूटेड में चल रहा है, उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, ये चीज़ देख लेना। या तो आप इसमें लगा सकते हैं, दो में से एक में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए इसी में जोड़ लेते हैं ब्लैक ब्लैक में। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से जोड़ लिया है, और भी हम आपको चला के दिखाएँगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोस्तों जोड़ दिया। अब एक बार हम फिर से टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से ये सही से जुड़ चुका है, और आप भी इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए हम इसको सही से बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने सही से यहाँ पे इसमें वायर इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं हमने किस तरीके से कनेक्शन किया है, और आप भी इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसको फिट कर देते हैं पहले, और इसको दोस्तों फिट करना काफ़ी आसान है, तो आप आसानी से फिट कर सकते होंगे। तो यहाँ पे एक पेज लगा देते हैं। अब दोस्तों देखिए हमने पूरी तरीके से इसको फिट कर दिया है, और हम फिट करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये पंखा जो है कैसा चलता है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका प्लग है, और यहाँ पर हम लगाते हैं। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से हवा दोस्तों आ रही है, और यहाँ पर कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से घर बैठे आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को